ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के गुड लक में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके समक्ष हूँ। आज के गुड लक में हम बहुत सारे रहस्यों की बात करने वाले हैं। कैसे तुलसी आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकती है और कैसे तुलसी को आप जब घर में लगाते हैं कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, इस संबंध में बात करेंगे। बहुत सारी बातें आपके समक्ष रखने वाले हैं तथ्यात्मक तौर पर, और साथ साथ आपके मनोमस्तिष्क पर ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, कैसे आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, बात करेंगे, आपके प्रश्नों का समाधान भी देंगे। पहले बात कर लेते हैं कार्यक्रम में पंचांग की। माह में करेंगे कल्याण, वैशाख का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, पंचमी तिथि है, गुरुवार का शुभ योग है, मूल नक्षत्र आज विद्यमान है, तो जो लोग बच्चे आज जन्म लेंगे वो मूल के अंदर रहेंगे, तो उनको मूल शांति अवश्य करानी चाहिए माता पिता को, अन्यथा बच्चों जो है वो पूरे परिवार पर भारी रहेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण योग है, परिधि नाम का योग बना हुआ है, चंद्रमा जो है धनु राशि पर चल रहे हैं। शुभ मुहूर्त का समय भी नोट कर लीजिए, 12:00 से लेकर 12:50 तक का मुहूर्त बहुत शुभ रहेगा। राहुकाल का भी टाइम नोट कर लीजिए, 2:00 से लेकर राहुकाल 3:36 तक रहेगा। यदि सायन दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज से ग्रीष्म ऋतु आरंभ हो रही है और ग्रहों की गणना के अनुसार से आने वाला समय जो है बड़ा विचित्र है। शुक्र और जिस प्रकार का योग बना रहे हैं शुक्र और ग्रह, वो आपस में कई प्रकार का द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न हो जा सकती है। आने वाले समय में नए प्रकार के उपद्रव होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, द्वंद्वात्मक स्थिति बन सकती है, दो समुदाय आपस में भिड़ सकते हैं और कई प्रकार के प्राकृतिक उपद्रव जो है वो भी दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो बवंडर हो, चाहे वो तूफान हो, कई प्रकार की वृष्टि संबंधी समस्या। जब बृहस्पति और शुक्र एक राशि में चले तो ऐसे में कुछ स्थिति बन जा सकती है द्वंद्वात्मक स्थिति, दो संप्रदायों में आपस में मनमुटाव उत्पन्न होने के योग बनते हैं, तो वही प्रभाव आगे आने वाले समय में दिखाई देता है। तो हमारे देश के पूरे विश्व के लोगों को बड़ी सावधानी के साथ जीवन चलाने का प्रयास करना चाहिए। दो लोगों में देखिए, शुक्र और जो ग्रह हैं वो केवल पूरे विश्व पर नहीं हर व्यक्ति के मनोमस्तिष्क प्रभाव डालते हैं, तो घर में भी ऐसी स्थिति बन सकती है, तो हमको उन ग्रहों की स्थिति को समझते हुए अपने जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पूरे विश्व में तो प्रभाव पड़ ही रहा है, आप देख रहे हैं, समाज पर प्रभाव पड़ रहा है, शहरों पर प्रभाव पड़ रहा है, हमारे घर पर भी तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आपको हम बताएंगे उपाय कैसे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं आपकी राशि के अनुसार से, लेकिन उससे पहले मनोकामना सिद्धि के लिए कैसे हम कौन सा उपाय करके आज की तिथि का लाभ ले सकते हैं तो वो भी समझ लीजिए। आज सायंकाल से पहले 5 कौड़ी एक पीले वस्त्र में लपेट कर केले की जड़, जहां पर हो केले का पेड़ हो, उसके पास ले जाके अपनी मनोकामना ध्यान करते हुए दबा दीजिएगा। बृहस्पतिवार का दिन है, बहुत शुभ लाभ होगा, आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। मांबे करेंगे कल्याण, युद्ध की भयावह स्थिति चल रही है और पूरे विश्व में जिस प्रकार की कूटनीति का उपयोग करते हुए लोग अपने स्वांता सुधाए का काम कर रहे हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। नॉटो देश जो है यूरोपियन देश है, अमेरिका है, रूस से सीधा नहीं लड़ सकता है, आमने सामने का मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए बैकडोर से आज जो कार्य किया जा रहा है पूरे विश्व को खतरे में डाला जा रहा है। पश्चिम के जो नेता है वो पुतिन से डायरेक्ट युद्ध नहीं कर रहे हैं और युद्ध बैकडोर से जो किया जा रहा है, यूक्रेन को पीछे सपोर्ट किया जा रहा है। यूक्रेन छोटा सा देश जो स्थिति में है वो लगातार लड़ रहा है, वो खुद नहीं लड़ रहा है, पीछे से देश लड़ रहे हैं और यही पुतिन के और ज़्यादा क्रोध को बढ़ा रहे हैं। पुतिन ने जिस प्रकार की चेतावनी दी है, यानी राष्ट्रपति जो रूस के, उन्होंने जो चेतावनी दी है उससे साफ साफ दिखाई देता है कि आने वाले समय में परमाणु युद्ध के खतरे पैदा होते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि रूस की सेना को कम क्षमता, कम टेक्निकल तौर पर बहुत सारे लोग जांच रहे हैं और जो 2 महीने का समय निकलने वाला है अब साफ साफ दिखाता है कि कोई भयावह स्वरूप ये युद्ध ले सकता है। और ग्रह तो दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में जो स्थिति है बड़ी विचित्र बन सकती है और यूक्रेन की मदद के लिए रूस पर हमला जो बहुत सारे देश कर सकते हैं। ये बात समझने की है कि क्या एक प्रश्न उत्पन्न होता है, सोवियत यूनियन में अब जिस प्रकार का स्थिति बनाई थी, अफगान विद्रोहियों के साथ लड़ाई में जुटा रहा था और लगातार वो युद्ध में लड़ लड़कर अफगानिस्तान को उसको छोड़ के जाना पड़ा था, थक गया था, ऐसी स्थिति बन सकती है आने वाले समय में और वो रूस के लिए भी अच्छी नहीं रहेगी। तो वहाँ के लोगों को भी ज्योतिषी गणनाओं को देखते हुए, अपने भविष्य को देखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है ग्रहों के अनुसार से हम बात कर लेते हैं। राशि के अनुसार सबसे पहले नंबर है मेष राशि वालों का। मांबे करेंगे कल्याण, मेष राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से दिखाई देता है कि आपका मन थोड़ा शरारती रहता दिखाई दे रहा है। अटके हुए काम, जो घरेलू काम है वो जीवन साथी के साथ मिलकर आप पूरा करने की व्यवस्था बना सकते हैं। एकांत में थोड़ा वातावरण में रहना आपके लिए आज मन करता दिखाई दे रहा है, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है, इस सब को दूर करने का आपको प्रयास करना चाहिए, ज़्यादा परेशान हो सकते हैं अन्यथा, इसलिए कोशिश करें सबके साथ मिलकर काम करें, आपके लिए शुभ होगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
इस मंत्र का जप कीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। मां अंबे करेंगे कल्याण। व्रत राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन आप आशीर्वादी बनने का प्रयास करना चाहिए, जीवन में के उज्ज्वल पक्ष को देखने का प्रयास करना चाहिए। आपका विश्वास और उम्मीद, इच्छाओं को आशाओं के अनुरूप से कार्यकर्ता दिखाई दे रहा है, नए दरवाजे खुल सकते हैं, मेहमानों का आगमन हो सकता है। आपका वक्त कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि गैर जरूरी कामों में भी ज़्यादा बर्बाद हो सकता है। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी रहेगा। माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, उन्हें गुलाब के पुष्प समर्पित करें, एक माला समर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे। माँ अंबे करेंगे कल्याण। राशियों के साथ साथ हम बात करते हैं व्हाट्सएप के आए मैसेजेस की, और कार्यक्रम के आरंभ से ही हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। बोकारो से जयप्रकाश चंद्रवंशी जी का हमारे साथ जुड़ाव दिखाई दे रहा है और उन्होंने प्रश्न भी किया है, उनकी कुंडली में मांगलिक दोष दूर करने के लिए सबसे आसान उपाय जानना चाहते हैं। देखिए, चिंता ना करें, मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। कुंडली में मंगल का जो दोष होता है, जिसको मांगलिक दोष कहा जाता है, उसको दूर करने के लिए बहुत से उपाय हैं। लोग उपायों में कई बार फंस जाते हैं और कहते हैं बड़े भारी उपाय हो जाते हैं। हम चिंता ना करें, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, हींग लगे ना फिट कर रंग चौका हो। एक उपाय हम आपको बताते हैं कि मिट्टी के दीपक में कच्ची घानी का तेल थोड़ा डाल दीजिएगा और काले कपड़े की एक बत्ती बनाकर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में उनके समक्ष जाकर प्रज्वलित कर दिया कीजिए। भी बहुत छोटा उपाय है। दीपक जलती अवस्था में थोड़े से लौंग और काले तिल उस पर डाल दिया कीजिए, हनुमान चालीसा का वहाँ बैठ के पाठ कर लीजिए, बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए। कोई और बहुत भारी उपाय करने की जरूरत नहीं है। मंगल के साथ शनि के दोष भी समाप्त हो जाएंगे, सत्य मान लीजिए। ये बहुत ही आसान उपाय है, बिल्कुल शास्त्रोक्त है और कहीं कोई प्रपंच नहीं है इसके अंदर। और इस उपाय के करने से शनि के अशुभ प्रभाव भी आपके जीवन से दूर होंगे हनुमान जी की कृपा से। क्यों आप जीवन में नहीं लेना चाहते हनुमान जी की कृपा? मंगल दोष भी दूर होगा, शनि की कुदृष्टि भी दूर होगी, हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होगी। मां अंबे करेंगे कल्याण। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। खर्चों में इजाफा होने के योग दिखाई देते हैं, परंतु गुस्सा भी आपको नुकसान की तरफ धकेल सकता है, इसलिए गुस्से को त्यागने का प्रयास कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों की संगति आपके लिए ठीक नहीं है, तो उनके साथ रहने से आपका समय बर्बाद होता है, तो उनका साथ को तुरंत त्यागने का प्रयास कीजिए और कोई गलत काम ना करें। रिश्तों में कुछ प्रगाढ़ता बढ़ती दिखाई दे रही है। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। सूर्य उदित हो रहे हैं, उनका ध्यान करते हुए उन्हें अर्घ्य दीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। मां अंबे करेंगे कल्याण। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज ग्रह दिखाते हैं कोई अच्छी खबर आपके समक्ष तुरंत आती दिखाई दे रही है। मन बड़ी जल्दी से भावना दिखाई देती है कि बहुत जल्दी जल्दी पैसा आ जाए, ऐसी तीव्र इच्छा आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। आज का दिन कुछ परेशानियों का भी आपको सामना करता दिखाई दे रहा है, ग्रह ऐसे दिखाते हैं। यथार्थवादी यानी प्रैक्टिकल अप्रोच लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। संतान पक्ष की ओर से अच्छे सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक संदेश, सकारात्मक सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुभ अंक आपके लिए 8 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए नीला रहेगा। देखिए, गाय की पूजा करें, गाय को घर की पहली रोटी स्वयं खिला के आए, आशीर्वाद मिलेगा। मां अंबे करेंगे कल्याण। व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न आने शुरू हो गए हैं और इस वक्त एक और प्रश्न हमारे समक्ष है प्रयागराज से गजेंद्र त्रिपाठी जी का। उन्होंने लिखा है कि जिनका नाम वी अक्षर से शुरू होता है उनका स्वभाव कैसा होता है। जिन जातकों का नाम वी अक्षर से शुरू होता है उनको जीत की भावना यानी विनिंग सिचुएशन की भावना, जीत की भावना उनके अंदर प्रबल रूप से दिखी जाती है, अर्थात वी फॉर विक्ट्री। भले ही परिणाम जो निकले लेकिन कार्यों में लगातार लगे रहते हैं, कार्यों से पीछे नहीं हटते, जी तोड़कर मेहनत करते हैं, मेहनत से भागते नहीं हैं। और जिन लड़कों का नाम वी से शुरू होता है वो हद से ज़्यादा कई बार देखा गया कि रोमांटिक भी होते हैं और आगे जीवन में काम कर अच्छे करने का प्रयास करते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा ख्याल रखने का प्रयास करते हैं, यानी जिन लोगों के साथ जुड़े रहते हैं उनकी छोटी छोटी भावनाओं का ध्यान रखते हैं। जीवन में सुख सुविधाएँ भी अच्छी रहती हैं और लाइफ में बहुत सारे निर्णय बहुत लोगों के साथ लेने का प्रयास करते हैं, परंतु कई बार अपने निर्णय भी स्वयं लेते हैं। कुछ छोटी छोटी और भी बातें हैं जो आज हम आपके समक्ष रखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं राशियों के संबंध में। सिंह राशि वालों का नंबर आ गया है। मां अंबे करेंगे कल्याण। सिंह राशि वालों, थोड़ी चुनौती का आपको खासतौर पर सामना करना पड़ सकता है, इसलिए चौकन्ने होकर काम करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो एक कहावत है, बलि के बकरे की तरह आपका उपयोग हो सकता है। तनाव और चिंता में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। संदिग्ध आर्थिक लेन देन में फंसने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। दोस्त आपके लिए सुखद रहेंगे, जीवन साथी का साथ आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद रहेगा। पीले वस्त्रों का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, आपके लिए कष्टों को दूर करेगा। मां अंबे करेंगे कल्याण। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज आपका गुस्सा जो है ना आपके दुश्मनों की सूची को लंबी कर सकता है। जल्दबाजी में कोई फैसला ले इस बात का ध्यान रखें और धैर्य की थोड़ी कमी रहती दिखाई दे रही है। बेवजह की जो बहस हो रही है उससे दूर रहिए, उसमें ना पड़े, आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। हल्दी का तिलक कीजिए, बहुत सारे कष्ट दूर होंगे।
माँ अम्बे करेंगे कल्याण। तुलसी के संबंध में बहुत सारी हम बात कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी बात बता रहे हैं कि तुलसी के पेड़ लगाने के बाद कुछ सावधानी कैसे बरतनी चाहिए। तुलसी के आसपास जूठे पत्ते, जूठे बर्तन, चप्पल जूते, झाड़ू, कचरा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें, एक साक्षात भगवान है वो। कई बार लोग शाम के समय तुलसी के पेड़ के पास दीपक तो जलाते हैं लेकिन दीपक चलाने के बाद वहाँ उसको छोड़ आते हैं। देखिए एक बात का ध्यान रखें, तुलसी के समक्ष दीपक जलाने के बाद वहाँ तुलसी के दीपक को बुझा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि बुझा हुआ दीपक तुलसी के पास पड़ा रहेगा तो वो परिवार के लिए अशुभ होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, तुलसी को जब दीपक करें, दीपक दिखाएं, तो वहाँ जलाने के बाद, दिखाने के बाद, आरती करने के बाद कहीं और रख दें उसकी जड़ के पास। तुलसी के पेड़ जड़ के पास बुझा हुआ दीपक है वो रखना नहीं चाहिए। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज घूमना फिरना, पार्टी, मौज मस्ती का मूड बनता दिखाई दे रहा है। बड़ों की सलाह आपको कार्यक्षेत्र में बड़ा धन लाभ करा सकती है। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो तुला राशि वालों आपके लिए दिन अच्छा है। अतिथियों का आगमन होता दिखाई दे रहा है, उनसे संपर्क होता दिखाई दे रहा है। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए सलेटी रहेगा। देखिए ग्रहों की दृष्टिकोण से दिखाता है, ग्रहों की गणना दिखाती है। आटे का दान कीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज आपकी परेशानी का कोई समाधान निकलता दिखाई दे रहा है। काम धंधे में, कैरियर में कोई योजना बनाकर काम करेंगे तो उत्तम होगा, लाभ होगा। योजना बना के काम करना ही चाहिए। परिवार के साथ कुछ समय निकलता दिखाई दे रहा है। अटके हुए कामों में खासतौर पर दिल दिमाग में छाए रह सकते हैं। मतभेद बढ़ता दिखाई दे रहा है। शांति के साथ काम कीजिए, सब शुभ होगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। पीले वस्त्र धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। स्वप्न विज्ञान के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं। ग्वालियर से संगीता परमार जी का एक प्रश्न आया है। उन्होंने सपने में कैमरा देखा और जानना चाहते हैं संकेत क्या है। देखिए कैमरा सपने में दिखना शुभ संकेत नहीं माना जाता। नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होगा पर आपकी बदनामी का भी योग आगे जीवन में बढ़ सकता है। निजी जीवन में कुछ बातें जो है वो आने वाले समय में सार्वजनिक हो सकती हैं, ऐसा योग बन रहा है। भेद खुल सकते हैं आपको। खासतौर पर अपने प्रभाव का ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। श्री गणेश का स्तवन करें, कल्याण के योग बनेंगे। एक और प्रश्न आया है कानपुर से अमित रस्तोगी जी का। उन्होंने सपने में कछुआ देखा, जानना चाहते संकेत क्या है। कछुए का सपने में देखना शुभ संकेत है। दीर्घ काल तक जीने का जीव है जो कछुआ है। बहुत लंबी आयु होती है उसकी और लंबी आयु से प्राप्ति होने के योग भी आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। जो आप इस प्रकार का जो आप स्वप्न देख रहे हैं तो आपकी यदि बीमारी कोई चल रही है तो बहुत जल्दी छुटकारा प्राप्त हो सकता है। ऐसे में आप कोशिश करें भगवान शिव का ध्यान कर लीजिए, उनका अभिषेक कर लीजिए, दूध के द्वारा उनका अभिषेक कर लीजिए। और खासतौर पर यदि बीमार चल रहे हैं तो ऐसे में यदि आप वनस्पति रस का के द्वारा उनका अभिषेक करेंगे तो बहुत सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होगा। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज बच्चों के प्रदर्शन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, आपके मन को पसंद करेंगे। आर्थिक तौर पर सुधार के संकेत दे रहे हैं धनु राशि वालों आपके ग्रह। आपके लिए समय निकालना थोड़ा जरूरी दिखाई देता है। समय निकालने का आपको प्रयास करना चाहिए, थोड़ा भारी रहेगा। आप ऐसा नहीं करेंगे तो देख लीजिए मानसिक तनाव बढ़ सकता है, मानसिक परेशानी बढ़ सकती है। आपको सावधानों पर काम करने का प्रयास करना चाहिए। कोई प्रेमी आपका दूर होता दिखाई दे रहा है। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। संतों का आशीर्वाद ले आपके लिए कल्याण के योग बनेंगे। माँ अम्बे करेंगे कल्याण। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज आप खुद को ज़्यादा आशीर्वादी बनाने का, प्रेरित करने का आपको प्रयास करना चाहिए, आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। समय और धन की कद्र करते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि समय जो है बहुत उपयोगी है, बेवजह बहस में ना पड़े इस बात का ध्यान रखें। परिवार के साथ कुछ अच्छे समय के साथ गुजरने के पल आपको प्राप्त हो सकते हैं। आज परिवार के साथ खरीदारी करने का मौका प्राप्त हो सकता है। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। सूर्य का ध्यान करें, सूर्य मंत्र का जप करें, कल्याण के योग बनेंगे। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन अच्छा दिखाई देता है। आपका मन और मस्तिष्क है खुशमिजाज रहेगा। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। आर्थिक तंगी से बचने के लिए तयशुदा बजट के अनुसार से काम करने का प्रयास करें, बजट से दूर ना जाएं। और अपने करीबी लोगों को खासतौर पर उनसे बात करने का प्रयास करें। ऐसी जगह निवेश ना करें जिनको आप खुद नहीं जानते। जिन लोगों के बारे में निवेश कर रहे हैं उनके बारे में अच्छे से जान लें। शुभ अंक आपके लिए 5 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा। ब्राह्मणों की सेवा करें, कल्याण के योग बनेंगे। माँ अम्बे करेंगे कल्याण। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज गाड़ी चलाते हुए सावधान रहते हुए काम करने का प्रयास कीजिए, कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है अन्यथा। आज ज्ञान हास परिहास के कारण से आप बहुत सारी चर्चा में रहते दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं आपके ज्ञान के अनुसार से। पारिवारिक विवादों के कारण से आपके जीवन में कुछ परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए शांति से काम करें। समय के अनुसार से खुद को ढालने का प्रयास कीजिए। शुभ अंक आपके लिए 3 रहेगा। केसरिया रंग आपको लाभ देगा। पढ़ाई लिखाई का सामान, स्टेशनरी का सामान जरूर उन बच्चों में दान कर दीजिए, शुभ होगा।
माँ में करेंगे कल्याण। आजकल बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं, हेल्दी टिप के द्वारा हम आपको बता रहे हैं कैसे उनको ठीक कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ब्लड प्रेशर के साथ साथ यदि शरीर में शुगर का लेवल परेशान कर रहा है तो चार छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको जान लीजिए, उससे आपका बीपी और शुगर भी बहुत बढ़िया तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। दवाइयाँ लीजिए लेकिन इन चीज़ों को देखिए, धीरे धीरे दवाइयाँ कम हो जाएंगी। भारत में डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि हम आधुनिकता की तरफ बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं और अपने आप को प्राकृतिक नहीं रख पा रहे हैं। डायबिटीज़ से होने वाली बहुत सारी परेशानियों को, ब्लड प्रेशर से होने वाली बहुत सारी परेशानियों को, शुगर को कंट्रोल करने में बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज़ें बहुत लाभ देती हैं, छोटी चीज़ें। अभी जामुन का मौसम आने वाला है, जानते आप हैं बिल्कुल, मैं जो नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, गर्मी के मौसम में जामुन खाना किसको पसंद नहीं होता, और इसको एंजॉय के साथ खाइए। कुछ नित्यपति खा लीजिए, 2 महीने आती हैं जामुन, और नित्यपति 4-5 जामुन आप अच्छे से काला नमक लगा के खा लिया कीजिए, देखिएगा उसे आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ेगा, अद्भुत उसे लाभ प्राप्त होगा, उसमें पोटेशियम होता है और आपकी आयरन बहुत अच्छा होता है, आपकी शुगर को कंट्रोल करने की बहुत अच्छी शक्ति होती है, और स्ट्रोक इत्यादि समस्या को भी ठीक करने की बहुत अद्भुत क्षमता देती है, स्ट्रोक के रिस्क को कम कर देती है। तो जामुन में इंसुलिन भी नेचुरल मात्रा में होती है, तो वो आपके शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करने में सहायता प्राप्त करती है। चकुंदर ये भी इतनी अद्भुत चीज़ है कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगी, आपके जो रक्त रोग की, खासतौर पर आपके रक्त की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, उन सबको ठीक करने का प्रयास करती है। उनमें कई प्रकार के ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बहुत अद्भुत प्रकार से आपको लाभ देते हैं। तो नित्यपति 2-3 फांग चकुंदर की खाना शुरू कर दीजिए, पूरे 12 महीने आता है, और डायबिटीज़ के मरीजों के लिए तो अमृत है, आप इसका उपयोग कीजिए। लहसुन बहुत अद्भुत चीज़ है, उसका सेवन कम नित्यपति करने से बहुत अद्भुत प्रकार से लाभ प्राप्त होता है, डायबिटीज़ को भी ठीक करने में लाभ प्राप्त है, ब्लड प्रेशर के लेवल में भी ठीक करता है, हार्ट के मरीजों के लिए अमृत के समान काम करता है, और कई प्रकार के जो वायु उपद्रव होते हैं उनके लिए बहुत अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त कराने के लिए उपलब्ध है। इन चीज़ों को उपयोग करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, घर में आपके पास ये उपलब्ध है। अब समय आपसे विदा लेने का, आपके प्रश्नों का समाधान हर रोज़ हम देते हैं, अब भी देते रहेंगे, कल आप अपने प्रश्नों को पुनः हमारे इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं, आपके प्रश्नों के साथ साथ बहुत सारे नए तथ्यों के साथ कल फिर इसी समय पर इसी चैनल पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।